भाजपा के लोग आपको मिस्टर बंटरदार क्यों कहते हैं? मोदी जी का चेहरा भारी पड़ेगा दिग्विजय सिंह जी को इस चुनाव में भी? चुनाव क्या मोदी जी लड़ रहे हैं राजगढ़ से? लगता तो ऐसा ही है, जब जनता के बीच में जाते हैं तो बोलते हैं हमें तो मोदी प्यारा है, तो लोग बोल रहे हैं कमजोर चेहरा ढूंढ लिया रोडमल जी को देखकर ढूंढ लड़ रहे हैं चुनाव। आपने पहले चुनाव लड़ने का मना किया था लेकिन अब लड़ रहे हैं। जब पार्टी का आदेश हुआ तो लड़ लिया। कितने मतों से जीत होगी कुछ आश्वासन दे सकते हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है। पहला स्टेटमेंट आपका था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लोगों को इमोशनल करने के लिए तो स्टेटमेंट नहीं था ना कि आप पुत्र मोह में राजगढ़ की जो फैक्ट्रियां थी वो राघोगढ़ क्यों लेकर गए थे? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह हमारे साथ है। आज उनके साथ पैदल चलने का मौका मिल रहा है, पदयात्रा कर रहे हैं। दिग्विजय जी, पहला सवाल यही है कि इस पदयात्रा का असर होगा आपको क्या लगता है? वो तो जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में है। राजगढ़ के कई सारे सवाल है, बहुत कम समय लूंगा आपका। पहला स्टेटमेंट आपका था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, लोगों को इमोशनल करने के लिए तो स्टेटमेंट नहीं था ना? मैं 77 साल का हूँ और अगला चुनाव में 82 साल का हो जाऊंगा, तो रिटायरमेंट स्वाभाविक है। पक्का घोषित कर रहे हैं? पक्का, कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं। ऐसा है, मैं एक भावनात्मक व्यक्ति हूँ और भावनात्मक व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। पिछली बार एक सवाल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, वो आज भी पूछते हैं लोग मुझसे कि आप पुत्र मोह में राजगढ़ की जो फैक्ट्रियां थी वो राघोगढ़ क्यों लेकर गए थे? आप वापस 80 के दशक में जाइए, 80 के दशक में राजगढ़ में पानी की कमी थी और NFL फर्टिलाइजर को पानी की आवश्यकता पड़ती है और जमीन तो यहाँ थी लेकिन पानी नहीं था। इसके लिए पूरी कमेटी बैठी थी केंद्र सरकार की और पहले ये फैक्ट्री जा रही थी शामगढ़, फिर विजयपुर जहाँ जमीन भी थी और पानी भी था क्योंकि वहाँ पे गोपी कृष्ण सागर बांध बन चुका था, इसलिए वहाँ फैक्ट्री गई। रोडमल नागर जी कहते थे कि जब नदी से नदी जोड़ो अभियान की फाइल दिग्विजय सिंह के पास लेकर गए तो उन्होंने फाइल फेंक दी, हमारे आदमियों की फाइल फेंक दी कि नहीं, ये कौन सा सपना देख रहे हो आप? जरा नागर जी से पूछिए कि उनसे मेरा परिचय भी था कि नहीं था उस समय? पहचानते नहीं थे। अरे फाइल मेरे पास उनके थ्रू आएगी क्या जब मैं मुख्यमंत्री हूँ? अच्छा, आपने मेरा एक दो सवाल हो रहे, आपने राजगढ़ में स्टाफ डैम बनवाए, आपने राजगढ़ में पंचायती राज दिया, उसके बाद भी तालाब भी बनवाए, सिंचाई तालाब बनवाए, अच्छा उसके बाद भी भाजपा के लोग आपको मिस्टर बंटरदार क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास मुझे बदनाम करने का और कोई तरीका नहीं है। मोदी जी का चेहरा भारी पड़ेगा दिग्विजय सिंह जी को इस चुनाव में भी? चुनाव क्या मोदी जी लड़ रहे हैं राजगढ़ से? लगता तो ऐसा ही है, जब जनता के बीच में जाते हैं तो बोलते हैं हमें तो मोदी प्यारा है। देखो बात ये, मोदी प्यारा है तो जाके वोट दीजिए बनारस में। अच्छा, रोडमल जी में दम है कि नहीं आपके सामने? मैं ये कैसे कह सकता हूँ, जनता से पूछिए। आप में आपको भी तो अंदर से कॉन्फिडेंस होगा ना दिग्गी जी? नहीं होता तो चुनाव लड़ता। तो लोग बोल रहे हैं कमजोर चेहरा ढूंढ लिया रोडमल जी को देखकर ढूंढ लड़ रहे हैं चुनाव। रोडमल नागर जी का टिकट मैंने किया है क्या? शिवराज जी के सामने लड़ सकते थे। मैं तो सबके ना सामने तैयार था, मोदी जी खिलाफ लड़ने तैयार था बनारस। आपने पहले चुनाव लड़ने का मना किया था लेकिन अब लड़ रहे हैं। जब पार्टी का आदेश हुआ तो लड़ लिया। कितने मतों से जीत होगी कुछ आश्वासन दे सकते हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, 4.5 लाख का गड्ढा है उसको पूरा करेंगे। कहना बहुत मुश्किल है, 4.5 लाख का गड्ढा है भरेंगे और जीतेंगे। 4.5 लाख का गड्ढा है, हाँ उसको भरना है और फिर उसको जीतना। धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी थे दिग्विजय सिंह जी और पदयात्रा में जितने सवाल पूछने थे उतने पूछने की कोशिश करी है। बाकी
कोशिश करेंगे कि बंद कमरे में बैठकर इंटरव्यू कर ले। आज पदयात्रा निकल रही थी, पदयात्रा में बोला गया कि एक बार पैदल चलकर भी थोड़ा सा इंटरव्यू कर लीजिए। तो कोशिश हमने की है कि जितने सवाल हमने पूछने थे हमने पूछे। फैक्ट्री को लेकर उन्होंने कहा कि पानी की कमी थी और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप देख ही रहे हैं। बाकी अभी पैदल चल रहे हैं दिग्गी जी, और पैदल चलते चलते ही ये इंटरव्यू हुआ। तो दिमाग इतना चलता नहीं है जब पैदल चलते हैं आदमी, तो क्या सवाल पूछे और क्या नहीं। लेकिन राजगढ़ की जनता के लिए हमने जो सवाल करने थे वो करे हैं, और देखना होगा कि आने वाले समय में जनता किसको प्यार देती है किसको नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस छोटे से इंटरव्यू को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।